उधर क्या कहते हैं मौलाना, क्या कह रहे हैं भाई? बात पूछिए जरा, इब्राहिम ने क्या किया था? इब्राहिम वाला नबी है ना, सिर्फ ख्वाब ही तो देखा था। बेटे से कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे जिबा कर रहा हूं। बेटे ने कहा बिस्मिल्लाह, आइए बेटा जिबा हुआ नहीं ना, लेकिन जबीउल्लाह हो गए। भाई आप जबीउल्लाह क्यों कह रहे हैं, याद क्यों बना रहे हैं? कुछ हो ना हो बेहतरीन बकरा लेकर के आएंगे, जिनके पास पैसा है वो तीन दिन का जीव जिबा करेंगे, और ज्यादा पैसा है एक एक दिन में कई कई कुर्बानियां देंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है, इसमें किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो कोई भी हो, सब कुर्बानी दिलाते। क्यों भाई? नबी है इब्राहिम इस्माइल, उनकी याद बना रहे हैं। तो भाई क्यों याद बनाई जा रही है, क्यों जबीउल्लाह कहा जा रहा है? तो फौरन कहा जाएगा मौलाना आप तो पढ़े लिखे हो, आप क्या बातें कर रहे हैं? कोई उन्होंने कुर्बानी दी तो नहीं थी, जो जा रहा हूं कोई कुर्बानी तो दी नहीं थी, बेटा जिबा तो हुआ नहीं था, फिर याद क्यों बनाई जा रही है? जिबा हो जाता तो याद बनाई जाती। क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? खुदा अमल से पहले नियत देखता है, अमल में नहीं नियत में जगह देता है। उनकी नियत में था जिबा करे, बेटे की नियत में था जिबा हो जाए, लिहाजा जबीउल्लाह हो गए और उनकी याद मनाना फर्ज हो गई। यानी जिसने सिर्फ नियत किया उसकी याद मनाना फर्ज, कयामत तक लोग याद मनाए, और जिसने अमल करके 72 कुर्बानियां पे